original city. This is not old city. This is original city. Hyderabad is our original city. मगर मेरा दोस्त को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, हैदराबाद मेट्रो जो भी आए, पिछले सरकार जब राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था, जो बहस हुआ असेंबली में, उसके बाद जो डिसीशन लिए, जो टेंडर बुलवाए, उसमें मेहताज कंपनी कैसे फेल हो गए, उसके आगे दोबारा कैसा टेंडर हुआ, वो पीपीपी मॉडल कैसे सक्सेस हुआ, मैं बोलना चाहता हूँ कुछ जो मिसिंग लिंक्स है, मैं उनसे तकरार नहीं करना चाहता हूँ, मगर रिकॉर्ड में कुछ लोग मेहनत किए, उन लोगों का भी, वो नेता लोगों का भी नाम अपने रिकॉर्ड में आने। राजशेखर रेड्डी साहब ने ये प्रपोजल कंबाइंड आंध्र प्रदेश से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दिए, मगर वहाँ पर तेलंगाना के शान जयपाल रेड्डी जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने ये पीपीपी मॉडल में वीजीएफ वायबल गैप फंड परमिशन के साथ साथ 1500-1600 करोड़ रुपए वायबल गैप फंड देकर और परमिशन देकर जयपाल रेड्डी साहब ने ये हैदराबाद शहर को मेट्रो ने दिलवाया। राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल किए तो राज्य सरकार से राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल भिजवाए तो केंद्र में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एस जयपाल रेड्डी ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दे के और वायबल गैप फंड 1600 करोड़ ही हैज गिवन। दैट इज हाउ वी हैव गॉट हैदराबाद मेट्रो। सेकंड थिंग, वो जो पीपीपी में 75 किलोमीटर्स बात हुई थी, जो अग्रीमेंट हुआ था 75 किलोमीटर्स में, एलएनटी 69.5 किलोमीटर्स ने पूरी की। गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर वो टेंडर अग्रीमेंट में है। उनके लिए प्रॉपर्टी भी लिए उन्होंने, उनके लिए वायबल गैप फंड भी ले लिए, फिर भी पुराना शहर को मेट्रो नहीं बनाए। मगर तेलंगाना बनने के बाद जो सरकार हुकूमत में थे, वो लोग एलएनटी से एडजस्ट होकर वो नहीं बनाए तो भी मत बनाओ, आपको हम पूरा दे देंगे बोल के पिछले सरकार ने जो धोखा दिया पुराना शहर को, वो धोखे के वजह से 10 साल तेलंगाना राज्य में पुराना शहर को ये मेट्रो रेल नहीं मिला। मैं मुख्यमंत्री बनते ही ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है, जरूर वो शहर में मेट्रो रेल बनाने के लिए मैं एमआईएम सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से दोनों से मैं डिस्कशन कर लेके उसके आगे मैं चंद्रयान गुट्टा में वो जो फाउंडेशन स्टोन जो डालना है वो 5.5 किलोमीटर बनाने के लिए हम एलएनटी से बात किए। मगर एलएनटी पिछले सरकार जो लीनेंस दिए वैसे ही यही सरकार से भी कुछ बोले थे, मैं बोला बाबू देखो ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो चरलापल्ली या नहीं तो चंचलगुड़ा में बैठना पड़ता बोल के मैं एलएनटी कंपनी को सीधा सीधा बोल दिए। और बात रहा दूसरे सेकंड फेज ऑफ मेट्रो, पिछले सरकार ने जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो हाईटेक सिटी से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट तक 32 किलोमीटर्स बनाने के लिए टेंडर भी बुलाए। साहब आपको तो पता है, आप वहीं से आए, हर दिन आपको कॉन्स्टिट्यूंसी को जाना है तो वही आउटर रिंग रोड से वहीं से जाते हैं आप, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी अगल बगल में, आप हैदराबाद शहर में बचपन से आप इधर ही पढ़े लिखे, आप इधर का ही है। जो आउटर रिंग रोड है 500 फीट का रोड है, 8 लेन रोड है, जूबली हिल्स बंजारा हिल्स हाईटेक सिटी से कोई भी अगर एयरपोर्ट को जाना है तो कार में जाते सर, ड्राइवर भी साथ में नहीं जाते, क्योंकि ये जाके गाड़ी एयरपोर्ट में रख दे के फिर हवाई जहाज में कहीं जाकर काम देख लेके फिर वापस आते, गाड़ी लेकर वापस आ जाते, मतलब कोई वहां के कोई गरीब लोग वहां से मेट्रो में एयरपोर्ट को जाने वाले नहीं है। मगर उनके जान पहचान के रिश्तेदारों को जो जगह है रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां टेंडर बुलाया, काम भी शुरू करने के लिए पूरा सब कुछ कर दिए। उनका बस किस्मत यह है कि राज्य में कांग्रेस सरकार आ गए, आते ही तुरंत मैं रिव्यू किया, भाई किस लिए जूबली हिल्स वाले को, बंजारा हिल्स वाले को, हाईटेक सिटी वाले को, 8 लेन रोड है, बड़ा बड़ा सड़क है, गाड़ियों में एयरपोर्ट को जाने वाले को